दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 12 नवंबर को दिवाली के खास मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म टाइगर 3, जिसने सिनेमा घरों में 15 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमा घरों में 16वां दिन चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3 फिल्म को ये लास्ट के 3 दिन पूरी तरह से छुट्टियों के मिले। 14वां दिन था सैटरडे का, 15वां दिन था संडे का और आज 16वां दिन एक बार फिर से छुट्टी का दिन है। तो यहाँ पे टाइगर 3 फिल्म इन 3 दिनों में जो कलेक्शन करने में कामयाब रही, उसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से हिट हो चुकी है। और जो हेटर्स ये बोल रहे थे कि सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलने वाली है, यह सलमान खान के करियर की खराब फिल्मों में शामिल होगी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगी, उनके लिए बताते चले कि टाइगर 3 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर रही है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से हिट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं फिल्म टाइगर 3 अपने पहले 15 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने 16वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है, फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 16 दिनों में कितना हो जाएगा, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर फ्लॉप, सारी बातें इस वीडियो में हम आपसे करेंगे। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म टाइगर 3 की, तो इस फिल्म की हम जितनी तारीफें करें कम है, क्योंकि इस फिल्म की निगेटिविटी हुई, फिल्म को ख़राब बताया गया, फिल्म को ट्रोल भी किया गया, लेकिन बावजूद इसके टाइगर 3 ने बॉक्स ऑफिस पर जो परफॉर्म किया वो काबिले तारीफ किया, क्योंकि अभी तक फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है 4 से 5 दिनों के बाद रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल, जिसको लेकर फिलहाल बहुत ज़्यादा क्रेज हमें देखने को मिल रहा है। तो टाइगर 3 के पास मौका है इन 3 से 4 दिनों में ही कमाई करने का, क्योंकि उसके बाद फिल्म सिनेमा घरों से उतर जाएगी और एनिमल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाएगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें टाइगर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो हम आपको बताते चले कि एक स्पाई यूनिवर्स की फिल्म थी और इससे पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान आपने देखी थी और यहाँ पे फिल्म को डायरेक्ट किया था मनीष शर्मा ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। फिल्म में सलमान खान, इमरान हाशमी, कैटरीना कैफ अहम किरदारों में थे। तो वहीं शाहरुख खान का स्पेशल कैमियो फिल्म में हमें देखने को मिला था। फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का था। 300 करोड़ रुपये फिल्म को बनाने में लगे थे तो 25 करोड़ रुपये फिल्म के प्रमोशन में थे और 325 करोड़ रुपए फिल्म का टोटल बजट था। और यहाँ पे फिल्म के मेकर्स ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, फिल्म को रिलीज करने में पूरी तरह से बड़े लेवल पर इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म के पास पूरे वर्ल्ड से लगभग 9000 स्क्रीनें थी। लेकिन यहाँ पे एक बात और एक ट्विस्ट आ जाता है कि टाइगर 3 फिल्म की जो कमाई है वो इसलिए भी कम रही क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कप चल रहा था और वर्ल्ड कप इतना शानदार था, इंडिया टीम इतना शानदार खेल रही थी कि फाइनल तक पहुंची। लेकिन यहाँ पे टाइगर 3 के पास जो सैटरडे रहा, संडे रहा, तो यहाँ पे जो है इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच रहा, साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच रहा और उसके अलावा एक दिन जो सबसे बेहतरीन दिन था वो था इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच। तो यहाँ पे इन 3 दिनों में काफी फर्क देखने को मिला टाइगर 3 की कमाई पर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाइगर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म ने अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 44 करोड़ 50 लाख रुपए की टोटल कमाई की थी और दिवाली का दिन था, लोग इस दिन बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग थी सलमान खान की तरफ से। और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में टाइगर 3 जो पहले दिन करने में कामयाब रही थी वो लगभग 94 करोड़ रुपए करने में कामयाब रही थी। उसके बाद दिवाली के 3 दिनों का वीकेंड फिल्म टाइगर 3 ने बहुत ही शानदार तरीके से खत्म किया था और 148 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई फिल्म ने तकरीबन 3 दिनों में कर ली थी इंडिया से। और वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो 240 करोड़ रुपए हो चुका था। चौथे दिन था इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच। इस दिन फिल्म के कलेक्शन में काफी गिरावट हमें देखने को मिली थी, 21 करोड़ 25 लाख रुपए ही ये फिल्म कमा पाई थी। उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल, 18 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई, छठवें दिन 13 करोड़ 25 लाख रुपए, सातवें दिन था फिल्म का पहला सैटरडे, फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया लगभग 18 करोड़ रुपए का, और आठवें दिन था इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच, तो इस दिन की कमाई रही थी सिर्फ 10 करोड़ 50 लाख रुपए। नौवें दिन फिल्म ने कमाए थे 7 करोड़ 35 लाख रुपए, 10वें दिन 6 करोड़ 70 लाख रुपए, 11वें दिन 6 करोड़ रुपए, 12वें दिन 5 करोड़ रुपए, 13वें दिन 3 करोड़ 80 लाख रुपए और 14वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 6 करोड़ रुपए का। जी हाँ दोस्तों, 14वें दिन फिल्म ने 6 करोड़ रुपए कमाए थे क्योंकि फिल्म का दूसरे सैटरडे था। तो फिल्म की जो 14 दिनों की टोटल कमाई थी वो 265 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो चुकी थी। वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 323 करोड़ रुपए हो चुका था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 115 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर
में पूरे वर्ल्ड में 438 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 14 दिनों में 438 करोड़ फिल्म टाइगर 3 कर चुकी थी। 15वें दिन था फिल्म का तीसरा संडे, तो यहाँ पे फिल्म ने 7 करोड़ रुपए करने में कामयाब रही। जी हाँ दोस्तों, 15वें दिन की कमाई रही 7 करोड़ रुपए की। और अगर आज के कलेक्शन की यानी कि 16 दिन के कलेक्शन की बात करें, तो आज भी छुट्टी का दिन है, तो आज भी ये फिल्म 5 करोड़ रुपए से कम नहीं कमाने वाली है। 5 करोड़ से ऊपर ही आने वाला है फिल्म का कलेक्शन आज का। तो फिल्म का जो 16 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 277 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो जाएगा। वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 460 करोड़ रुपए कर लेगी, जो कि काबिले तारीफ है। और दोस्तों, फिल्म टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर ऑलरेडी एक हिट फिल्म बन चुकी है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपने टाइगर 3 फिल्म देख ली, तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर